अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी शहीन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगी उड़ाने भर रहे हैं। पाकिस्तान अपना तमाम जंगी साजो सामान LOC पर तैनात कर चुका है। भारतीय मीडिया ने अपनी एयरफोर्स को खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों से ही LOC पर पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है। दोस्तों, भारतीय मीडिया का मजीद इस बारे में क्या कहना था? क्या सच में पाकिस्तान भारत पर फजाई हमला करने के लिए तैयार है? और पाकिस्तान के कौन कौन से त्यारे इस वक्त LOC पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं? मजीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल ऑल न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बैल के आइकॉन को प्रेस कर दें। दोस्तों, चंद दिनों से ही भारत की जानिब से जंगी हिकमत अमली की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी फौज को खुली इजाजत दी है कि ईंट का जवाब पत्थर से दें। जबकि भारत की जानिब से मुसलसल LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज निहत्ते शहरियों को निशाना बनाती है, जबकि पाक फौज उसका भरपूर जवाब देते हुए भारतीय बुजदिल अफवाज और उनकी चौकियों को निशाना बनाती है, जिससे कई भारतीय फौजी अहलकार जहन्नम वासिल हो चुके हैं। और भारतीय मीडिया की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम हथियार बॉर्डर पर नसब कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी त्यारे F-16 और JF-17 थंडर 24 घंटे LOC पर पेट्रोलिंग में मसरूफ हैं। और भारत की एक गलत हरकत पर पाकिस्तानी शहीन भारत में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने जंगी टैंक भी बॉर्डर पर नसब कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान भारत पर जमीनी हमला आसानी से कर सकता है। दूसरी जानिब चीन और भारत के दरमियान भी बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब चीन भी भारत पर हमला कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगा दें।